हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक स्टिमुलस पार्ट 3 ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पार्ट 3 अनाउंस किया था ऑफ द पैकेज, एंड दिस पार्ट फोकसेस टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। सो ये जो पार्ट 3 है ऑफ दिस पैकेज, ये बेसिकली फोकस्ड है ऑन एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, ताकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और जो भी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल द अनाउंसमेंट दैट हैज बीन मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो सबसे पहले एक 10,000 करोड़ रुपए का स्कीम लॉन्च किया जाएगा टू हेल्प 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हु नीड टेक्निकल अपग्रेडेशन टू अटेन FSSAI फूड स्टैंडर्ड्स, ब्रांड बिल्डिंग्स एंड मार्केटिंग। ओके, 10,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम लॉन्च की जाएगी टू हेल्प 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस जिनको टेक्निकल अपग्रेडेशन चाहिए टू अटेन FSSAI फूड स्टैंडर्ड्स, ब्रांड बिल्डिंग्स एंड मार्केटिंग। एंड इसमें जो भी एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव्स हैं, उन सबको सपोर्ट किया जाएगा। एंड दिस स्कीम विल फोकस ऑन वुमेन एंड SC/ST ओन यूनिट्स एंड दोज यूनिट्स विच आर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एंड इसके अलावा एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो की जाएगी टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। नाउ व्हाट इज दिस क्लस्टर बेस्ड अप्रोच? सो गाइज, इसका मतलब यह है कि जैसे अगर यूपी है, यूपी में ज्यादा प्रोडक्शन है मैंगो की, तो यूपी में मैंगो प्रोडक्शन को सपोर्ट किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में चिली की प्रोडक्शन को सपोर्ट किया जाएगा, महाराष्ट्र में ऑरेंज की प्रोडक्शन को सपोर्ट किया जाएगा। मतलब जहां पे भी जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा है उसको ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, राइट? सो एक 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की गई है टू हेल्प माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। नाउ इसके अलावा एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया जाएगा जिसके तहत 1,00,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस, 1,00,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स, राइट? 1,00,000 करोड़ का फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एट फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स। और इसके अंदर कौन कौन कवर हो सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एटसेट्रा, इन सभी के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया जाएगा। नाउ इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। इससे पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2019-20 टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन फिशिंग सेक्टर। जो भी फिशिंग सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए 2019-20 के बजट में दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड, एंड इसके लिए उस टाइम 3737 यानी कि 3737 करोड़ रुपीज की फंडिंग भी प्रोवाइड कराई गई थी। नाउ अंडर दिस पैकेज इस स्कीम के लिए टोटल 20,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड द फोकस विल बी ऑन आईलैंड्स, हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑलराइट? एंड दिस स्कीम इज फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। नाउ नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। सो गाइज, ये नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये 2019 में लॉन्च किया गया था, एंड ये लॉन्च किया गया था टू कंट्रोल FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसेलोसिस अमंग द लाइव स्टॉक। इन डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2019 बाय प्राइम मिनिस्टर एट मथुरा। अगर आप लोगों को याद हो, मथुरा में प्राइम मिनिस्टर ने इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। एंड द टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू कंट्रोल द लाइव स्टॉक डिजीज बाय 2025 एंड इराडिकेटेड बाय द ईयर 2030। एंड जो रिसेंटली अनाउंस्ड पैकेज है उसमें इसके लिए 13,343 करोड़ रुपीज प्रोवाइड कराए जाएंगे टू एंश्योर 100% वैक्सीनेशन ऑफ कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग पॉपुलेशन। सो कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग पॉपुलेशन के लिए 100% वैक्सीनेशन एंश्योर करने के लिए दिस मच अमाउंट रुपीज इज प्रोवाइडेड अंडर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक फंड है ऑफ रुपीज 15,000 करोड़, इसको सेटअप किया जाएगा विद एन एम टू सपोर्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना है इन डेयरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर।
डेयरी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन और कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक फंड लॉन्च किया जाएगा ऑफ 15,000 करोड़ रुपीज, जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट अनाउंसमेंट। सो देयर इज अ प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन आउटले ऑफ 4,000 करोड़ रुपीज। इसमें क्या होगा, 1,00,000 हेक्टेयर का लैंड जो है उसको कवर किया जाएगा अंडर हर्बल कल्टीवेशन अगले 2 सालों में विद एन आउटले ऑफ रुपीज 4,000 करोड़। एंड इस हर्बल कल्टीवेशन से जो फार्मर्स की इनकम है वो 5,000 करोड़ रुपए की होने की संभावना है। एंड जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए रीजनल मंडियां बनाई जाएंगी ताकि फार्मर्स को उनको बेचने में परेशानी ना हो। एंड इसके अलावा नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड यानी कि NNPB वो गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर के एरिया में मेडिसिनल प्लांट्स का एक कॉरिडोर डेवलप करेगा। NNPB विल ब्रिंग 800 हेक्टेयर एरिया बाय डेवलपिंग अ कॉरिडोर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा। नाउ गाइस दिस नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2000 एंड इट वर्क्स अंडर आयुष मिनिस्ट्री। एंड द प्राइमरी मैंडेट ऑफ दिस NNPB इज टू डेवलप एंड अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ मेडिसिनल प्लांट सेक्टर। बेसिकली मेडिसिनल प्लांट सेक्टर को ग्रोथ करना ही इसका प्राइमरी मैंडेट है। एंड ये वर्क करता है अंडर आयुष मिनिस्ट्री हेडेड बाय श्रीपद येस्सो नायक, हुज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नॉर्थ गोवा। नाउ फॉर बी कीपिंग इनिशिएटिव्स, इसके लिए 500 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड दिस इज फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शन मार्केटिंग एंड स्टोरेज सेंटर्स, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। सो इन चीजों के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक स्कीम इंप्लीमेंट कराई जाएगी फॉर बी कीपिंग इनिशिएटिव्स। ऑलराइट, एंड ये चीजें क्या है, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए, कलेक्शन मार्केटिंग एंड स्टोरेज सेंटर्स के लिए, एंड इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हुए 500 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे टू इंप्लीमेंट अ स्कीम फॉर बी कीपिंग। एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम फॉर 2,00,000 बी कीपर्स। जो 2,00,000 बी कीपर्स है उनकी इनकम को ऑगमेंट किया जाएगा बाय दिस अनाउंसमेंट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम टॉप टू टोटल। सो गाइज, आप सबको याद होगा दैट ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दिस ऑपरेशन ग्रीन रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। ये जो ऑपरेशन ग्रीन है ये कौन रन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री हेडेड बाय हरसिमरत कौर बादल। शी इज लोकसभा MP फ्रॉम बठिंडा एंड द पार्टी इज शिरोमणि अकाली दल। ऑलराइट, सो ये एक ऑपरेशन ग्रीन चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर टॉप यानी कि टमेटोज, अनियन एंड पोटेटोज के लिए एक स्कीम चलाई गई थी जिसमें कि इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, इनकी जो प्राइसिंग थी उसको फिक्स करना था। एंड इस तरीके से जो भी टॉप है यानी कि टमेटोज, अनियन एंड पोटेटोज जो है उनकी प्रोडक्शन में इजाफा करना था। बट नाउ दिस टॉप हैज बीन एक्सटेंडेड टू व्हाट, टोटल। अब टोटल का मतलब यहाँ पे है कि ये जो टॉप था ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और इसके लिए 500 करोड़ रुपीज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस पैकेज। एंड ये जो स्कीम है दिस वुड प्रोवाइड 50% सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सरप्लस टू डेफिशिएंट मार्केट्स, 50% सब्सिडी ऑन स्टोरेज इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेजेस। अभी के लिए ये स्कीम पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च की गई है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ एंड बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एंड दिस स्कीम विल लीड टू बेटर प्राइस रियलाइजेशन टू फार्मर्स, रिड्यूस्ड वेस्टेजेस, अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स। सो रिमेंबर, टॉप हैज बीन एक्सटेंडेड टू टोटल और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है अंडर इकोनॉमिक स्टिमुलस पार्ट 3। नाउ नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज अमेंडमेंट्स टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सो गाइस, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995 में अमेंडमेंट की जाएगी टू एनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स। एंड इस अमेंडमेंट में जो भी एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स हैं इंक्लूडिंग सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, इन सबको जो है डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। एंड इसके अलावा जो भी स्टॉक लिमिट है वो तभी इम्पोज की जाएगी जब कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे लाइक नेशनल कैलामिटीज, फेमाइन विद सर्ज इन प्राइस। ऑलराइट, स्टॉक लिमिट इसके अलावा कभी भी इम्पोज नहीं की जाएगी। ऑलराइट, सो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड किया जाएगा टू इनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स। एंड जो भी फूड स्टफ है लाइक सीरियल, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, इनको डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी स्टॉक लिमिट है वो तभी इम्पोज की जाएगी जब बहुत ज्यादा
एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती है. नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड मार्केटिंग चॉइसेस टू फार्मर्स. इसके लिए गाइज एक सेंट्रल लॉ फॉर्मुलेट किया जाएगा ताकि फार्मर्स को एडिक्वेट चॉइसेस प्रोवाइड करा सके टू सेल देयर प्रोड्यूस एट रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड एंड अ फ्रेमवर्क फॉर ई ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ऑलराइट, सो एक एग्रीकल्चर की जो मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर का जो मार्केट है उसको रिफॉर्म करने के लिए एक सेंट्रल लॉ फॉर्मुलेट किया जाएगा. एंड नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट विल फाइनलाइज अ फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क टू इनेबल फार्मर्स टू एंगेज विद प्रोसेसर्स एग्रीगेटर्स लार्ज रिटेलर्स एक्सपोर्टर्स एंड एक्सेट्रा इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर्स. यानी कि जो फार्मर्स है उनको प्रोसेसर्स एग्रीगेटर्स लार्ज रिटेलर्स और एक्सपोर्टर के साथ एंगेज कराने के लिए गवर्नमेंट एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आएगी. एंड इससे ये होगा कि जो फार्मर्स है उसका रिस्क कम हो जाएगा. देयर विल बी अश्योर्ड रिटर्न्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फार्मर ऑफ द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर. ऑलराइट, सो गवर्नमेंट विल फाइनलाइज दिस लीगल फ्रेमवर्क ताकि जो फार्मर्स है उनको प्रोसेसर्स एग्रीगेटर्स लार्ज रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स के साथ डायरेक्टली एंगेज करा दिया जाए. ऑलराइट, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक स्टिमुलस पार्ट 3 ऑफ द आत्मनिर्भर पैकेज. आई होप आपको सारे प्रोविजंस क्लियर है. नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज रुपीज 10,000 करोड़ स्कीम प्रमोटिंग वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच विल बी लॉन्च्ड टू हेल्प 2,00,000 माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस अंडर आत्मनिर्भर अभियान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोकस्ड एरिया ऑफ द स्कीम. सो गाइज ये जो स्कीम होगी ये फोकस करेगी वुमेन एंड SC/ST ओन यूनिट्स पे, yes, और ये उन यूनिट्स पे फोकस करेगी जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है. इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो किया जाएगा. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव के लिए है ये. एंड यूनिट्स इन्वेस्टेड ग्रेटर देन 50,00,000. नो, ऐसा कोई प्रोविजन इस स्कीम में नहीं है. सो देयरफॉर गाइज ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन. Now next question is for integrated sustainable inclusive development of marine and inland fisheries a scheme will be launched with the corpus of rupees 20,000 crore. Name the scheme. So fisheries ke liye aapko is scheme ka naam yaad rakhna hai. Scheme ka naam hai Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. And don't confuse it with Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. That is different and ye alag hai. Alright, so marine and inland fisheries ke development ke liye 20,000 crore rupee ki scheme launch ki jayegi. And jo scheme ka naam hai that is प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एरियाज विद द फंड एलोकेशन. सो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए गाइस 13,343 करोड़ रुपीस दिया गया ताकि 100% वैक्सीनेशन को इंश्योर किया जाए. एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं गाइस. प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए एंड बी कीपिंग इनिशिएटिव के लिए 500 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि बी कीपिंग को प्रमोट किया जा सके. सो ए के लिए 3 है विच मींस ए के लिए 3 एंड यहां पे भी ए के लिए 3, B1, C2, सी के लिए 2, यस. सो सी के लिए 2 मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स अनाउंस्ड इन आत्मनिर्भर अभियान 3 एंड फाइंड विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स. सो लेट अस रीड आउट द स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज अमेंडमेंट्स विल बी डन टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995 टू इनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अमेंडमेंट किए जाएंगे अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995. नेक्स्ट इज नो स्टॉक लिमिट शैल अप्लाई टू प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अ सेंट्रल लॉ विल बी फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड मार्केटिंग चॉइसेस टू फार्मर. यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर फार्मर्स वेलफेयर विल बी फाइनलाइज ताकि उनको प्रमोटर्स और एग्रीगेटर्स के साथ और एक्सपोर्टर्स के साथ एंगेज किया जा सके. सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. इसका मतलब गाइस ऑप्शन ई ऑल आर करेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल एंड प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट फार्म लेवल ऑपरेशन ग्रीन्स इज रिफॉर्म्ड. ऑपरेशन ग्रीन को रिफॉर्म किया गया है फ्रॉम टॉप टू टोटल. ऑलराइट, फ्रॉम टोमेटो ऑनियन पोटेटो टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द न्यू फीचर्स अंडर द स्कीम. तो हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट
फीचर ऑफ द स्कीम आइडेंटिफाई करना है. सो इट विल बी एक्सटेंडेड टू टॉप, इट विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टॉप टू टोटल. येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट विल बी लॉन्च फॉर 12 मंथ्स एट पायलट मोड. नो गाइज, इट विल बी लॉन्च फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको लॉन्च किया जाएगा एंड बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा. और स्टेटमेंट भी रीड आउट कर लेते हैं. इट विल प्रोवाइड 50% सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, येस. इट विल प्रोवाइड 50% सब्सिडी ऑन स्टोरेज, येस. एंड दिस विल लीड टू बेटर प्राइस रियलाइजेशन टू फार्मर्स, येस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो देयरफॉर गाइज, आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. इट विल बी लॉन्च फॉर 12 मंथ्स एज पायलट मोड विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च, विल बी लॉन्च फॉर 6 मंथ्स एज द पायलट प्रोजेक्ट. ऑलराइट, सो गाइज दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन. आई होप आपको सारे प्रोविजन क्लियर है ऑफ द इकोनॉमिक स्टिमुलस पार्ट 3 ऑफ आत्मनिर्भर पैकेज. आने वाले वीडियोज में हम इसके अलावा जो भी अनाउंसमेंट हुई है वो भी लेके आएंगे. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.